नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द सुगम। बात करेंगे देश भर की 543 लोकसभा सीटों की, जिस पर कौन आगे नजर आ रहा है, कौन किसका पलड़ा भारी है, किस पार्टी को बड़ा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। नजर डालेंगे देश भर की 543 लोकसभा सीटों के आज के फलोदी सिटी बाजार के एग्जिट पोल पर। देश में सबसे ज्यादा भरोसेमंद सट्टा बाजार और विश्व विख्यात फलोदी सिटी बाजार के आज की किसकी क्या रेट चल रही है, एनडीए को कितना बहुमत मिल रहा है, महागठबंधन आगे चल रहा है या फिर अन्य दल क्या फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और किस राज्य से कौन सी पार्टी आगे है, इन सभी सीटों पर हम नजर डालेंगे। एक एक करके आपको बता दें कि देश भर के तमाम राज्यों के सीटों पर हम आज नजर डालने वाले हैं। साथ ही देश के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले जो ओपिनियन पोल आया है वो बड़ा शौकने वाला है। देश भर में किस पार्टी के बहुमत मिल रहा है, अन्य दल की वजह से महागठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या भाव चल रहे हैं, तो देखिए ये रिपोर्ट। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप देश के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज कर्नाटक की। तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा सर्वे में। यहाँ पर भाजपा को 9 सीटें मिल रही है, तो महागठबंधन यहाँ पर 19 सीटें जीत रहा है, तो अन्य दल यहाँ 0-0 है। चलिए आगे अंडमान में भाजपा को 4 सीटें जा रही है, महागठबंधन प्लस को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही है, तो अन्य दल 0-0। 543 लोकसभा सीटों में अगला हमारा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर बात करें तो भाजपा को 4 सीटें मिल रही हैं, तो महागठबंधन यहाँ से 6 सीटें जीत रहा है, और अन्य दल को यहाँ बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, 11 सीटें अन्य दल को मिल रही हैं। हालांकि अन्य दल एक ऐसा दल होता है जो किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकता है, एनडीए को कहो तो एनडीए को दे सकता है, या फिर इंडिया गठबंधन को कहो तो इंडिया गठबंधन को दे सकता है, जिसकी उसकी और रुचि होती है वो उस वक्त देता है इसे। और आपको बता दें कि यहाँ पर उड़ीसा के अंदर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, यहाँ पर अन्य दल 11 सीटें जीत रहा है, बल्कि यहाँ पर भाजपा तो 4 सीटें ही जीत रही है और महागठबंधन ठीक ठाक सीटें जीत रही है, जो कि 6 सीटें जीत रही है। अब तक के सर्वे में आपको बता दें कि भाजपा को 17 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस को 27, तो अन्य दल यहाँ से 11 सीटें जीत रहा है। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में भाजपा को 1 सीट मिल रही है, तो महागठबंधन यहाँ 0-0, अन्य दल 0-0। सिक्किम में एक ही सीट है जिसमें यहाँ पर भाजपा को मिल रही है बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल सीटें हैं वो 25 है, 25 में से भाजपा को 5 सीटें मिल रही है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को यहाँ 11 सीटें मिल रही है, और अन्य दल यहाँ पर फिर से बड़ा बेनिफिट ले रहा है, 9 सीटें अन्य दल को मिल रही है। हालांकि अन्य दल किसी भी और जा सकता है, हमने आपको पहले भी बताया है। हमारी सूची में अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुल 2 सीटें हैं, उसमें से भाजपा को 1 सीट मिल रही है और महागठबंधन को 1 सीट मिल रही है, और अन्य दल 0-0। अब तक के सर्वे में 24 सीटें भाजपा को और 39 सीटें कांग्रेस, अभी तक सर्वे में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। वही अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, उनमें से भाजपा को 9 सीटें जा रही है, तो महागठबंधन को 33 सीटें जा रही है, और अन्य दल यहाँ पर आपको बताएं तो अन्य दल को यहाँ पर 0-0, यानी 1 भी सीट नहीं। हमारी सूची में अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल सीटें हैं वो 4 हैं, और उसमें से भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं अब तक के सर्वे में। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल 0-0। हमारी सूची में अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल लोकसभा की 5 सीटें हैं, उसमें से भाजपा के खाते में 3 जाती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड से भाजपा आगे हैं, और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को यहाँ से 2 सीटें मिल रही हैं। चलिए हमारी सूची में अगला देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली को कुल लोकसभा सीटें हैं वो देश को 7 सीटें दे रहा है, उसमें से भाजपा को 2 मिल रही है, तो महागठबंधन को 5 सीटें मिल रही है। दिल्ली से यहाँ महागठबंधन आगे नजर आ रहा है, महागठबंधन में अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी शामिल है। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में कुल 2 सीटें हैं, वो भी 2 की 2 सीटें महागठबंधन को मिल रही है, यहाँ पर भाजपा 0-0 और अन्य दल 0-0। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है केरल। तो केरल में आप बात करें तो यहाँ पर केरल में कुल 20 सीटें हैं लोकसभा की, 20 सीटों में से भाजपा को 1 सीट मिल रही है और अन्य दल को यहाँ पर 0-0। महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन बड़ा फायदा लेता हुआ नजर आ रहा है, 19 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है, सर्वे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। चलिए नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में लोकसभा की कुल 1 सीटें हैं, 1 सीट में भाजपा को 0-0, अन्य दल 0-0, महागठबंधन यहाँ से 1 सीट लेता हुआ नजर आ रहा है। चलिए हमारी सूची में
आगे है पांडी सिटी। तो पांडी सिटी में कुल लोकसभा की एक सीट है, एक सीट में भाजपा को यहाँ पर 00, तो महागठबंधन को यहाँ पर एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है आज के ओपिनियन पोल में, वही अन्य दल 00। मेघालय की बात करें तो मेघालय में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें भाजपा को एक सीट जा रही है, तो महागठबंधन को भी एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य दल यहाँ से 00 पर चल रहा है। वहीं असम की बात करें तो असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, 14 सीटों में से भाजपा को 7 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को भी 7 सीटें मिल रही हैं, अन्य दल का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। असम की बात करें तो असम में आपको बता दें कि दोनों के भाव बराबर चल रहे हैं, दोनों को बराबर सीटें मिल रही हैं, भाजपा और महागठबंधन को। अगली हमारे सूचे में अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी में कुल लोकसभा की 28 सीटें हैं, यूपी भाजपा का गढ़ माना जाता है, देश भर में यूपी की चर्चा भाजपा की ओर की जाती है, तो यूपी में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से भाजपा को 62 सीटें मिल रही हैं, तो महागठबंधन यहां से 10 सीटें ले रहा है। तो अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को भी यहां पर बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, 8 सीटें मिल रही हैं आज के ताजा ओपिनियन पोल में। वहीं हमारी सूची में अगला राज्य है झारखंड, तो झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, 14 सीटें में से यहां पर बात करें भाजपा को कितनी मिल रही है, तो भाजपा को 7 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को भी यहां पर 7 सीटें मिल रही हैं, अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है राजस्थान, राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से भाजपा को 15 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को यहां पर 10 सीटें मिल रही है, अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहां पर 00, यानी खाता भी नहीं खुल रहा है। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 1 सीट मिल रही है, तो महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को भी 1 सीट मिल रही है और अन्य दल का यहां पर भी कोई खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब तक के सर्वे में आपको बता दें कि भाजपा पीछे है तो कांग्रेस या महागठबंधन आगे नजर आ रहा है, कांग्रेस को यहां पर अब तक 146 सीटें मिल रही हैं, तो भाजपा को 119, वहीं अन्य दल 28 सीटें लिए हुआ है। आगे कई राज्य हैं वहां पर भाजपा को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, एनडीए को बहुमत मिल सकता है। तो एमपी की बात करें, एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं, 29 में से भाजपा को 15 सीटें मिल रही हैं, महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को यहां पर 14 सीटें मिल रही हैं, अन्य दल की बात करें तो अन्य दल यहां पर 00 के साथ चल रहा है, यानी एक भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर भाजपा को 11 सीटें मिल रही हैं, तो महागठबंधन को 6 सीटें मिल रही हैं, अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है, यानी 00 के साथ चल रहा है। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है पंजाब, पंजाब केसरी की बात करें तो पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं, 13 लोकसभा सीटें में से यहां पर भाजपा को कितनी सीटें मिल रही है, भाजपा को यहां पर सबसे कम सीटें मिल रही है, अन्य दल से भी कम, यानी भाजपा को यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को यहां पर 10 सीटें मिल रही है, अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहां पर 2 सीटें मिल रही है, यानी भाजपा से डबल, 2, भाजपा को 1 थी तो अन्य दल को यहां पर 2 सीटें मिल रही है। अब तक के सर्वे में भाजपा को 146 और इंडिया गठबंधन या कांग्रेस को 173 और अन्य दल यहां पर 30 सीटें लिए हुआ है अब तक के सर्वे में पूरे देश के अंदर। वहीं बात करें गोवा की, गोवा में हम गोवा की बात करें तो गोवा में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से भाजपा को 1 सीट मिल रही है, तो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन यहां से 1 सीट हासिल कर रहा है, अन्य दल की बात करें तो अन्य दल यहां पर 00 के साथ चल रहा है। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 48 कुल लोकसभा सीटें हैं, जहां से भाजपा को बहुमत मिलता हुआ महाराष्ट्र से नजर आ रहा है, यहां पर भाजपा 29 सीटें हासिल कर रही है, तो महागठबंधन यहां पर 17 सीटें हासिल कर रहा है, अन्य दल की बात करें तो अन्य दल यहां से 2 सीटें लेकर संसद जा रहा है। अब तक के सर्वे में बात करें तो यहां पर भाजपा को एनडीए को 176 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस और महागठबंधन को यहां पर 197 अब तक पूरे देश में सीटें मिल रही हैं और अन्य दल को यहां पर 32 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें हैं, 6 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल रही हैं, तो महागठबंधन को भी यहां से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य दल यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं, जहां से भाजपा को 20 सीटें मिल रही हैं, तो महागठबंधन को 19 सीटें मिल रही हैं, अन्य दल का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है, 00 चल रहा है भाव। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है गुजरात, गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से भाजपा को 17 मिल रही है, तो महागठबंधन यहां से 9 सीटें हासिल कर रहा है और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का यहां पर भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। चलिए हमारी सूची में अगला राज्य है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जहां से भाजपा की 15 सीटें मिल रही हैं, तो महागठबंधन को यहां पर पूरे देश के अंदर आपको बता दें कि
अब तक 239 सीटें मिल रही है, तो महागठबंधन यहाँ से 14 सीटें हासिल कर रहा है और अन्य दल का यहाँ पर कोई खाता नहीं खोल रहा है। एमपी का हमने समीकरण बताया 15-28-14। सरे हमारी सूची में अगला राज्य है बिहार। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं जहां से भाजपा को बड़ा बहुमत मिल रहा है, यहां पर भाजपा को 20 सीटें मिल रही हैं। तो महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इंडिया गठबंधन को यहां से 16 सीटें मिल रही हैं और अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का यहां खाता खुल रहा है जो कि 4 सीटों पर खुल रहा है। सर हमारी सूची में अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीटें हैं जहां से भाजपा को 4 सीटें मिल रही हैं, तो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को यहां पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार हमने बात की देश की 543 लोकसभा सीटों की और 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, जहां से कौन आगे सदर है और कौन पीछे। यहां पर बहुमत की बात करें तो बहुमत में अब तक आगे कौन है ये जानकारी हमारे लिए बेहद जरूरी है। यहां पर भाजपा पीछे नजर आ रही है, इंडिया महागठबंधन यहां पर आगे सदर है। यहां पर कुल 543 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 261 सीटें मिल रही हैं, तो भाजपा को 255 सीटें मिल रही हैं। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल यहां पर बड़ा बहुमत हासिल नहीं करता हुआ नजर आ रहा है, 37 सीटें मिल रही है। अगर अन्य दल भाजपा में शामिल हो जाता है तो यह जरूरी होगा कि देश में भाजपा की सरकार बनेगी और पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। लेकिन अब तक के सर्वे में आपको बता दें कि भाजपा पीछे है। अगर अन्य दल महागठबंधन को समर्थन कर देता है तो यहाँ पर पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार आ सकती है। हालांकि सर्वे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बड़ी खबर।